श्री बाबा रामदेव जी ने दिया हरजी भाटी को पर्चा। रामदेवारा से कुछ ही मील दूर एक स्थान पर उगमसी भाटी नामक एक क्षत्रिय भेड़ बकरिया चरा कर जीवन यापन करते थे। वे रामदेव जी के परम भक्त थे और नित्य ही रामदेव जी का कीर्तन करते थे। बाबा की कृपा से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसका नाम हरजी रखा। हरजी जब 15 साल के थे तब वे एक दिन जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहे थे। तभी वहां पर रामदेव जी साधु वेश धारण करके पधारे। उन्होंने हरजी से भूख मिटाने के लिए बकरी का दूध मांगा। हरजी ने कहा, महाराज मेरी बकरी तो अभी ब्याई नहीं है और बिन ब्याई बकरी के थनों से दूध कैसे आएगा। आपका सत्कार न करने से मैं बड़े संकट में पड़ गया हूँ। साधु ने कहा, भक्त इस गर्मी में तो तपती रेत पर चलकर मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे तो तुम्हारी समस्त बकरियों के थनों में दूध दिख रहा है, परंतु तुम मना कर रहे हो। लो यह कटोरा, इसमें दूध निकाल लाओ। योगी से डरता हुआ कि कहीं यह शाप ना दे दे, हरजी कटोरा लेकर एक बकरी के पास आकर उसको दूहने लगा। देखते ही देखते वह कटोरा बकरी के दूध से भर गया। यह देख हरजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस साधु को वह कटोरा देखकर कहा, हे महाराज आप कौन हैं? मैं ज्ञानी आपको पहचानने में गलती कर रहा हूँ। तभी रामदेव जी ने हरजी को अपने असली रूप में दर्शन दिए और हरजी को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से हरजी भाटी प्रभु की भक्ति में लग गया और आगे चलकर बाबा के सेवक के रूप में जाना गया।